आज देश भर में विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस मना रही बीजेपी, सुबह 9:30 बजे होगी कार्यक्रम की शुरुआत। पीएम मोदी, शाह समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। बंटवारे के वक्त को याद करने के लिए आज देश में विभाजन विभिषिका दिवस। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा लेंगे मौन जुलूस में हिस्सा। विभाजन विभिषिका दिवस के मौके पर आज लखनऊ में सीएम योगी मौन मार्च में होंगे शामिल। जगह जगह बंटवारे के दर्द से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुंबई में आज आजादी का अमृत महोत्सव दौड़। देवेंद्र फडणवीस और फिल्म स्टार अक्षय कुमार होंगे शामिल। दिल्ली में आज सीएम केजरीवाल हर हाथ तिरंगा कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के मंत्रियों के साथ में सीएम केजरीवाल कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से तिरंगा फहराने की अपील की है। दिल्ली में आज शाम तिरंगा फहराने का कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। आजादी के जश्न में डूबा पूरा देश। दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे शहरों में जगमग हुई प्राचीन इमारतें। तिरंगे के रंग में रंगा पूरा हिंदुस्तान। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में उत्साह। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा रैली, नड्डा से लेकर कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। यूपी के मेरठ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर घर तिरंगा यात्रा अभियान में लिया हिस्सा। भारी संख्या में जुटे लोग आजादी के अमृत महोत्सव में स्कूटी चलाकर पहुंची स्मृति ईरानी। प्रयागराज के शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित। सिक्किम में पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा अमृत महोत्सव। हर उम्र के लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे हिस्सा। हेलीकॉप्टर से की जा रही फूलों की बारिश। भोपाल में सीएम शिवराज ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। जुमेरातवी पोस्ट ऑफिस पर फहराया तिरंगा। गुजरात के मेहसाणा में तिरंगा यात्रा के दौरान घायल हुए नितिन पटेल। रैली में गाय के घुसने से मची थी हड़कंप। कांग्रेस नेता भक्त चरण दस ने उठाए तिरंगा यात्रा पर सवाल। कहा ये फर्जी देशभक्ति है, करीब कहां से खरीदेगा तिरंगा। केदारनाथ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल में निकाली गई तिरंगा यात्रा, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी शामिल हुए। विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल की तिरंगा रैली में बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर भारत माता की जय के नारे लगाए। बच्चों ने लोगों को घर घर तिरंगा अभियान की जानकारी दी। लखनऊ में मदरसे के बच्चों ने निकाली तिरंगा रैली। मदरसे के बच्चों को व्यापारियों ने किया सम्मानित। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ बच्चों ने निकाली रैली। यूपी के बस्ती में आजादी के अमृत महोत्सव में निकाली गई बुलडोजर यात्रा। एक दर्जन से ज्यादा बुलडोजर पर तिरंगा लगाकर निकाली गई यात्रा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्र के नाम उनका पहला संबोधन होगा। दिल्ली में दूसरे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा यमुना का पानी। सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए निचले इलाके के लोग। एलजी ने लोगों से यमुना से दूर रहने की अपील की। और वही अग्निवीर योजना को लेकर खत्म हुआ भर्ती का इंतजार। हिसार सैन्य स्टेशन के आज से 29 अगस्त तक चलेगा अभियान। अग्निवीर जनरल ड्यूटी क्लर्क टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती भी शुरू। राजू श्रीवास्तव की सेहत में अब भी ज्यादा सुधार नहीं। होश में लाने के लिए सुनाई जा रही अमिताभ बच्चन की आवाज। डॉक्टरों ने कहा कि अगले 48 घंटे बेहद अहम। मध्य प्रदेश के धार में जारी है ऑपरेशन डैम। आसपास के 18 गांव खाली कराए गए। सीएम शिवराज लगातार हालात की कर रहे हैं समीक्षा। धार में बांध में दरार के बाद में हालात को संभालने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए प्रभावित गांव के लोग। धार डैम को लेकर सीएम शिवराज ने लोगों से की अपील। कहा प्रभावित इलाकों को खाली कराने में करे सहयोग। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमला। ग्रेनेड हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद। पुंछ में रहने वाले थे ताकि खान। पाकिस्तान वाले कश्मीर में फिर अड़के आजादी के नारे। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाक सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। पीओके में सड़क पर उतरी जनता। संविधान में संशोधन के खिलाफ नारेबाजी किए। संशोधन में वित्तीय प्रशासनिक अधिकार इस्लामाबाद ट्रांसफर होगा। जम्मू कश्मीर के रेसाई में चुनाब नदी पर बनाया गया रेलवे ब्रिज। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के बनने पर खुशी की लहर। तिरंगे और आतिशबाजी के साथ मनाया गया जश्न। बीजेपी के नए दावे पर मचा सियासी बवाल। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पीएफआई और एसडीपीआई को बचाने के लिए तोड़ा गया गठबंधन। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की तुलना औरंगजेब से की है। कहा सत्ता में रहने के लिए जैसे औरंगजेब ने कुछ भी किया, वैसे नीतीश कुमार सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुशील मोदी ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा जब तक मोदी जिंदा है तब तक नीतीश और यूपीए के लिए प्रधानमंत्री बस सिर्फ एक ख्वाब है। बिहार की बेतिया में नीतीश को रेणु देवी की बड़ी चुनौती। कहा मुकेश लाल के सपने देखना बंद करें नीतीश कुमार। बीजेपी विधायक रेणु देवी ने कहा कि मोदी के जिंदा रहते पीएम नहीं बन सकते नीतीश कुमार। यूपीए का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।
रोजगार के मुद्दे पर पत्रकारों के सवाल पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा हम तो देंगे रोजगार, जरा बीजेपी से पूछिए हर साल 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं क्या। उद्धव ठाकरे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की, बिहार में नई सरकार के लिए बधाई दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी कामयाबी, ड्रग हैंडलर राय संजू बाबा गिरफ्तार, अफगानिस्तान से भारत में हीरोइन कर रहा था सप्लाई। यूपी के सहारनपुर से अरेस्ट, आतंकी नदीम के पास से 70 पन्नों की किताब बरामद, किताब में बम बनाने की पूरी जानकारी जैश मोहम्मद ने आईडी बनाने के लिए कोर्ट में बताया। जैश आतंकी नदीम को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का खुलासा, पाकिस्तान के तहरीके तालिबान के कमांडर के संपर्क में था नदीम, आईईडी बनाने का कोर्ट से भेज, नुपुर शर्मा की हत्या का दिया टास्क। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई, बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी मिली है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। लखनऊ के अलमबाग में रहने वाले देवेंद्र तिवारी के घर पर एक बैग में धमकी भरी चिट्ठी मिली है, चिट्ठी के इसमें सीएम योगी और देवेंद्र तिवारी को मारने की धमकी दी गई। यूपी में लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों के परिजनों का सम्मान किया, वीरों को किया नमन, आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम गाया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले स्कूली छात्र ने निलंबित, कानूनी कार्रवाई की भी हो सकती है तैयारी। सहारनपुर में फिर दिखी देश विरोधी हरकत, स्कूली छात्रों पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का आरोप, तिरंगा यात्रा के दौरान हुई नारेबाजी। और वही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रेप पीड़िता को धमकी देने वाले बीएसपी के पूर्व एमएलसी बैची इकबाल के 4 रिश्तेदार गिरफ्तार, आज इकबाल पर लगा था रेप करने का आरोप। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी की 2 और प्रॉपर्टी, कोर्ट के 6 करोड़ 30 लाख की संपत्ति पर एक्शन, मुनादी कराकर हुई कुर्की की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बांदा नाव हादसे में एक और डेड बॉडी बरामद, अब तक 12 डेड बॉडी निकाले गए, 3 अभी भी लापता, नाव में सवार थे 33 लोग। यूपी के बांदा नाव हादसे में जिम्मेदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सीएम योगी को पूरे रिपोर्ट सौंपेंगे मंत्री राकेश सचान, 2 दिनों से फतेहपुर में डाले हैं डेरा। अयोध्या में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा सख्त, आजमगढ़ और मुरादाबाद से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। कानपुर में विधायक से झड़प पर दारोगा लाइन हाजिर, शिवराजपुर थाने में विधायक राहुल बच्चा और दारोगा हरीश यादव की हुई झड़प। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मोबाइल चोरी के शक में मासूम को तालिबानी सजा, घंटों बंधक बनाकर की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बरेली में मामूली विवाद पर भिड़े दो पक्ष, जमकर हुई पत्थरबाजी, 2 लोगों की हालत गंभीर। लखनऊ में चाय पत्ती बनाने वाली कंपनी पर छापा, रंग मिलाकर गोल्डन और गार्डन फ्रेश नाम की चाय बना रही थी कंपनी। यूपी के बागपत में गैंगस्टर सन्नी के मकान को पुलिस ने किया कुर्क, लूट और अन्य संगीन धाराओं में दर्ज हैं 9 मुकदमे। एसपी नेता और गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की 5 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज पुलिस ने की है कुर्की की बड़ी कार्रवाई। यूपी के रायबरेली में पेड़ को लेकर आपस में भिड़े भाई भाई, परिवारों के बीच जमकर लड़ चले लाठी। और उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी के बीचों बीच टापू पर 4 ग्रामीण फंसे, नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ग्रामीण फंस गए। यूपी के अयोध्या में इस बार होगी फिल्मी सितारों की रामलीला, 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी अयोध्या रामलीला। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पैसों के विवाद में एक शख्स ने दूसरे शख्स पर किया कैंची से ताबड़तोड़ हमले, घायल युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के अमरोहा में पत्नी और बच्चे के साथ पति ने की मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। गाजियाबाद के 12 सिटी सोसाइटी के में बाहर आए कुछ लोगों ने एक शख्स को पीटा, बच्चों के विवाद में जमकर की पिटाई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी हटाए गए, संतोष बड़ोनी की जगह सुरेंद्र सिंह रावत को दी गई जिम्मेदारी। और वही गुजार हुई सरोवर नगरी नैनीताल, वीकेंड में पर्यटकों के आने का दौर जारी, कारोबारियों में दौड़ी खुशी की लहर। 22 से 26 अगस्त तक भोपाल में आयोजित होगा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, देशभर के फिल्म निर्माता होंगे शामिल, सैकड़ों फिल्मों का होगा प्रमोशन। मध्य प्रदेश के विदिशा में रफ्तार का कहर, कार ने 2 बाइकों में मारी जोरदार टक्कर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चोरी के आरोप में मासूम की बेरहमी से पिटाई, घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 4 माह को दी करोड़ों की सौगात, बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शहीदों के परिजनों का किया सम्मान, सीएम ने बताया भावपूर्ण पल, कहा राज्य के लिए जवानों ने दिया सर्वोच्च बलिदान। छत्तीसगढ़ के मुंगेली की बाढ़ में फंसे 160 लोगों को किया गया रेस्क्यू, सल्फा गांव के पास उफान पर मनियारी नदी। बिहार के मधुबनी में मिड डे मील में मिली छिपकली, स्कूल के 60 से ज्यादा मासूम बीमार बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के मोतिहारी में बेखौफ अपराध घूम रहे हैं, दिन दहाड़े सेंट्रल बैंक के सीएसपी से 5 लाख की लूट हुई, लूटपाट के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग।
बिहार के नवादा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1,22,00,000 रुपए के साथ 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 3 लग्जरी वाहन भी बरामद। रांची पूरी लिया रोड पूरी तरह से बदहाल हो गया है, जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन भी सामने आया, नाराज लोगों ने सड़क पर की धान रोपने और धोए कपड़े। झारखंड के लातेहार में आसमानी बिजली का कहर जारी, खेत में काम कर रहे पति पत्नी की मौत। राजस्थान के 24 जिलों में फैली लंपी बीमारी, लंपी से अब तक 16,387 गायों की हो चुकी है मौत। राजस्थान के झुंझुनू के लाल शहीद राजेंद्र प्रसाद भांबू पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ ही पात्र गांव में हुआ अंतिम संस्कार। राजस्थान ने कोटा में झुके लून अस्पताल के घूसखोर अधीक्षक की पेशी कोर्ट ने डॉक्टर मीरा को 26 अगस्त तक जेल में भेज दिया है। राजस्थान के बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 युवकों की मौत, नहाने के दौरान दलदल में फंसने से हुई मौत। भारत की आपत्तियों को दरकिनार कर मिली चीन के जासूसी जहाज को श्रीलंका आने की मंजूरी, 16 से 22 अगस्त तक हबटन टोटा में रहेगा जासूसी जहाज। अफगानिस्तान में तालिबान का बर्बर चेहरा, शिक्षा रोजगार का हक मांगने वाली महिला प्रदर्शनकारियों की पिटाई, फायरिंग के साथ राइफल के बट से पीट पीट कर दहशत फैलाने की कोशिश। मेक्सिको के सीमावर्ती शहरों में गैंगवॉर के बाद बढ़ती हिंसा, सड़कों पर गाड़ियों में लगाई आग, अमेरिका दूतावास ने कर्मचारियों को घर पर रहने के दिए निर्देश। अमेरिका के हवाई में आइलैंड पर लगी आग, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका खाक, हेलीकॉप्टर्स की मदद से बुझाई जा रही आग। इटली के स्ट्रोम्बोली आइलैंड में बाढ़ और भूस्खलन के बाद हालात सामान्य करने की कोशिश, आइलैंड पर मलबा डालने का काम तेजी से जारी। स्पेन के तटीय शहर कुलेरा में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान में स्टेज गिरने से 1 शख्स की मौत, 17 लोग हुए घायल। यूक्रेन के क्रामाटास्क में रिहायशी इलाके में रूस का प्रचंड प्रहार, रूसी अटैक में 3 लोगों की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। लोन वसूली के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर होगी सख्त कार्रवाई, आरबीआई का नोटिफिकेशन जारी। जॉनसन एंड जॉनसन नहीं बेचुकी बीबी टेलकॉम पाउडर, अगले साल से दुनिया भर में बिक्री बंद होगी। कैश संकट के बीच में खाली हो रहा पाकिस्तान का खजाना, 3 साल के निचले स्तर पर मुद्रा भंडार। सीमेंट कारोबार में वर्चस्व के लिए अदानी समूह तैयार, एसीसी और अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण को मिली मंजूरी। एयरटेल 5G के नीलामी में मारी बाजी, 20 साल के लिए करीब 43,000 करोड़ में अपना नाम किया स्पेक्ट्रम। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज राज टेलर का खुलासा, आईपीएल में 0 पर आउट होने पर राजस्थान रॉयल्स के मालिक ने मुझे मारा था थप्पड़। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप से हटे सिंधु, रखने की चोट के कारण नाम वापस लिया। धोनी के मैनेजर बनने पर बीसीसीआई को एतराज, कहा पहले लेना पड़ेगा आईपीएल से संन्यास। एशिया कप से पहले पाकिस्तान को एक बड़ा झटका, चोटिल होने के कारण भारत के खिलाफ शाहीन अफरीदी का खेलना मुश्किल। आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर का नया वीडियो किया शेयर, वीडियो में रणवीर शिव की बख्ती में डूबे हुए आ रहे हैं नजर। उर्वशी रोतेला का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में समंदर किनारे उर्वशी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही अपना जलवा। शाहिद कपूर ने क्रिकेट खेलते हुए वीडियो किया शेयर, वीडियो में शाहिद बल्लेबाजी करते हुए आ रहे नजर, वीडियो हुआ वायरल। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने डांस करते हुए एक और वीडियो शेयर किया, निया के डांस वीडियो ने मचाई थी। अर्जुन कपूर ने फोटो शूट करवाते हुए वीडियो किया शेयर, वीडियो में अर्जुन अलग अलग लुक में कैमरे को पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं।